Assalamualaikum. Welcome back to Fibs MTP, your multitasking partner. I hope you all are doing very well. तो आज की वीडियो में टाइम वेस्टिंग किए बगैर मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी एक चीज. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द न्यू वेज टू अर्न ऑन यूट्यूब. जी हाँ, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को अपनी YT स्टूडियो में दिख रही होगी शॉर्ट्स से रिलेटेड, कि आप लोग शॉर्ट से किस तरीके से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं. लेकिन इन 2023 फरवरी से उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं और वो सब ही सबके ही शॉर्ट्स पैड चलेंगे. नो, ऐसा नहीं है. प्रॉपर क्या गाइडलाइंस हैं, कौन लोग एलिजिबल होंगे शॉर्ट्स के थ्रू, एड्स के थ्रू जो है वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए. मैं आपको फुल क्राइटेरिया बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने जो ऑलरेडी YouTube के चैनल मोनेटाइज हैं वो शॉर्ट्स डालेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया, और जो बिल्कुल नॉन मोनेटाइज हैं, जो न्यूली ओपन कर रहे हैं चैनल, और वो किस तरीके से उनके लिए क्या क्राइटेरिया है. सो कीप इंगेज योरसेल्फ एंड वॉच माय फुल वीडियो. अगर वीडियो पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वो लोग जिन लोगों के नॉलेज में ये बात नहीं है और उन लोगों को क्राइटेरिया और शॉर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में ये मैसेज पॉप अप हो रहा है पर डीप डिटेल किसी को इतना नहीं पता, तो प्लीज़ ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि वो उनको क्या करना होगा विद इन दीज 3 मंथ्स के वो लोग भी एलिजिबल हो जाएं शॉर्ट्स के थ्रू रेवेन्यू अर्न करने के लिए. विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने ओरिजिनल पार्ट की तरफ. लेट्स गो. जी जना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू वेज टू अर्न ऑन यूट्यूब विद शॉर्ट्स एट रेवेन्यू. आप अगर लिंक जो कि मैं दे नहीं सकती, सो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जो कि ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में है, तो वो लोग जो कि बेटर वे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको उर्दू में. यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि जो शॉर्ट्स पे एड्स चलेंगे या रेवेन्यू बनना स्टार्ट होगा वो फरवरी 1, 2023 से स्टार्ट होगा और मिड ऑफ जनवरी में 2023 के आप जो है अप्लाई करेंगे. बट उसके लिए क्राइटेरिया है कौन लोग एलिजिबल है, मैं आप लोग को थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देती हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिनके चैनल मोनेटाइज है. यहाँ पे देखिए तो YouTube पार्टनर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है. ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एक चैनल के मोनेटाइज होने के लिए क्राइटेरिया कि उनके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 जो है वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स होने चाहिए इन लास्ट 12 मंथ्स. ऐसा नहीं है कि आप के जो है वो 2 साल गुजर गए हैं और आप बोलेंगे 4000 आपके कंप्लीट हो गए. नो, लास्ट 12 मंथ्स में आपके 4000 जो है वो पब्लिक वॉच ऑवर्स होने चाहिए. इसके साथ आपका ऑलरेडी चैनल जो है वो मोनेटाइज है, तो आपको क्या ज़रूरत है, सिर्फ जो आपकी वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स हैं उस पे आपके जो है वो 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए. ठीक है, और इसका भी क्राइटेरिया है कि विद इन लास्ट जो 3 मंथ्स हैं, 90 डेज हैं, इसमें आपको 10 मिलियन व्यूज आने चाहिए. दैट डजंट मीन कि आप 1 ईयर से अपनी प्रीवियस शॉर्ट्स को भी काउंट करें, उनके व्यूज को भी काउंट करें. नो, जब 3 मंथ्स फॉर एग्जांपल अगर आज से ही आप शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करते हैं एंड इट्स 8th of November, आप आज से स्टार्ट करेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देन जनवरी तक आपका 8th of January तक 3 मंथ्स हो जाएंगे. देन मिड ऑफ जनवरी में जब अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा तो आप जो है वो अप्लाई करेंगे, बट विद इन दिस 3 मंथ्स आपके 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए आपके शॉर्ट्स पर. देन अगर कोई न्यू पर्सन्स हैं और वो न्यू यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो आपको ये क्राइटेरिया फिर भी मीट करना है, लाइक 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 पब्लिक वॉच आवर्स का क्राइटेरिया मस्ट जो है वो मीट करना है, बिकॉज जो शॉर्ट्स पे आपको वॉच टाइम मिलेगा वो इस वॉच टाइम में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होंगे. इसके सिर्फ व्यूज मैटर करते हैं शॉर्ट्स के. ठीक है, देन नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट्स किस तरह के होने चाहिए, कौन से शॉर्ट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर मोनेटाइजेशन. लेट्स मूव. जी जनाब, यहाँ पे जो आपको एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स मैं बता रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है. देन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ.
यहाँ पर आप लोगों का चैनल चैनल नीड टू हैव अपलोडेड एटलीस्ट वन एलिजिबल शॉर्ट इन द लास्ट 180 डेज। आपकी जो भी एक शॉर्ट है लास्ट 180 डेज में ज़रूर अपलोड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही शॉर्ट पे आपको 10 मिलियंस व्यू आ गए और आप बोलें कि आपका जो है उस पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें। आप हर 180 डेज में आपने जो है वो एक न्यू शॉर्ट जो है वो लाजमी अपलोड करनी है। देन चैनल नीड टू अबाइड बाई यूट्यूब जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कॉपीराइट रूल्स हैं, जो वट एवर जो भी एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल के फॉलो करना पड़ते हैं रूल्स, वो शॉर्ट्स के लिए भी हैं। देन चैनल जो भी आप अपनी शॉर्ट्स डाल रहे हैं वो अगर आप किसी चैनल से उठा के डाल रहे हैं या कोई भी क्लिप है उसको अगर बिना री एडिट किए आप डाल रहे हैं तो आप वैसे शॉर्ट्स पे एलिजिबल नहीं हैं एड्स के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लिप्स होते हैं जिसमें किसी थर्ड पार्टी के लोगों दिख रहे होते हैं, ये वाटरमार्क दिख रहे होते हैं, अगर आप उनको रिमूव नहीं करते और अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ मर्ज नहीं करते तो ऐसे शॉर्ट्स भी एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा क्रिएटर जो भी है वो 13 ईयर्स प्लस होना चाहिए US के अकॉर्डिंग, और 13 to 18 years old must have a parent or guardian except terms and जो भी कंडीशन एडसेंस की उनके गार्डियंस होंगे अगर 18 से लेस एज के होंगे। सो ये थोड़ी सी गाइडलाइंस थी कि आप लोगों ने जैसे जो न्यूज़ पे बनाते हैं या फिर कोई इंटरटेनमेंट या सेलिब्रिटी सोशल मीडिया की जो न्यूज़ हैं वो अपलोड करते हैं तो मेक श्योर कि आप लोगों को क्लिप्स को मर्ज करना है कुछ अपने ओरिजिनल कंटेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल आप वॉइस ओवर करें, उनके वाटरमार्क लोगोस उनको हटा दें, कुछ थोड़ा सा अपना एडिशन करें, कुछ स्लाइड्स ऐड करें, समथिंग लाइक अपना भी आपने क्रिएट करना है, अपनी एक वीडियो के अंदर उसको मर्ज कर दें स्मॉल विंडोज के साथ। इस तरह से आपने अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ री एडिट करें तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप कहें कि कहीं से आप टोटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या उसको क्रॉप करके आप शॉर्ट्स में डाल दें तो इस तरह के शॉर्ट्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे फॉर एड्स रेवेन्यू। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया था फंड्स के लिए, मैंने जो आपको बता दिया, एंड देन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया जो ऑलरेडी यूट्यूब के पार्टनर्स हैं और या फिर जो न्यू यूट्यूब चैनल बनाने लगे हैं, तो मैंने दोनों के पर्सपेक्टिव में आप लोगों को डिटेल में बता दिया कि क्या क्राइटेरिया है। सो अभी भी 3 मंथ्स रहते हैं तब विदाउट टाइम वेस्ट किए आप जल्दी से अपने चैनल क्रिएट करें, शॉर्ट्स डालें, अपने लॉन्ग वीडियोस डालें, लॉन्ग वीडियोस डाल के अपने वॉच टाइम कंप्लीट कीजिए और देन सब्सक्राइबर जो थ्रेश होल्ड है यूट्यूब का उसको कंप्लीट कीजिए और अपना फोकस साथ साथ शॉर्ट्स पे भी रखें ताकि आपको 10 मिलियन का व्यू का टारगेट है वो जल्दी से कंप्लीट कर लें और मिड ऑफ फेब्रुअरी में आप लोग एलिजिबल हों रेवेन्यू अर्न करने के लिए थ्रू शॉर्ट्स के जरिए जो कि बहुत ही इजी है इन फ्यूचर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो कि हमेशा मैं स्टार्ट में भी कहती हूँ एंड पे भी कहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।